Hi guys, my name is Akshay and welcome to Vijay's Recipes. आज की हमारी रेसिपी है चौली की सब्जी, which is also known as black eyed beans सब्जी, not black eyed peas the band, black eyed beans in English. And मेरी मम्मी इसको साउथ इंडियन स्टाइल में बनाने वाली है. आई डोंट नो कि उसको वो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से घर पे भी जब चौली की सब्जी खाता हूँ और अपने घर पे भी खाता हूँ तो मुझे बहुत अंतर लगता नहीं है, बट कुछ होते होंगे, मतलब कुछ मसाले डिफरेंट होते होंगे जो हमारी मम्मी ही जानती हैं और हम बच्चों को सिर्फ खाना आता है. सो चौली की सब्जी साउथ इंडियन स्टाइल इज टुडेज रेसिपी. एंड इफ यू लाइक टुडेज रेसिपी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजयास रेसिपीज. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल आवर नोटिफिकेशंस एज सून एज वी अपलोड द वीडियोस गाइस. लेट्स मेक टुडेज रेसिपी. चौली की सब्जी बनाने के लिए हमने ये दो बंडल चौली लिया है, इसे हम लॉन्ग बीन्स कहते हैं इंग्लिश में. पहले हम ये सब्जी को कट करेंगे, इसमें जो बंधा हुआ रबर है ये हम पहले कट करेंगे. सब्जी के ये पहले दो एंड्स निकालेंगे चौली के, इसी तरह हम बाकी सारे चौले के ये दोनों एंड्स अलग कर लेंगे. हमने ये सारे चौली की सब्जी को एंड्स कट कर लिया है, अब हम इसे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे. मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ. 8 से 10 हमने चौले को हमने इकट्ठा कर लिया है और इसे सीजर से कट कर रहे हैं. आप चाहे तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं. इसी तरह हम बाकी सारे चौले को भी कट कर लेंगे. हमने सारे चौली को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, अब हम इसे धोएंगे और इसे पानी से 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे. हमने चौली को 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया है, ये पानी हटा देते हैं. हमने चौली को 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया है, अब हम इसे कुक करेंगे. हम ये सारे चौले को इस प्रेशर पैन में डालेंगे, आप कुकर में भी कुक कर सकते हैं. प्रेशर पैन में हम 3 कप पानी डालेंगे. डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी. प्रेशर पैन को हम कवर कर लेंगे. हमने गैस ऑन कर लिया है. चौली को हम 1 विसल तक ही कुक करेंगे. जब तक ये चौली कुक होता है हम इसके लिए एक पाउडर बनाएंगे सब्जी के लिए. पैन में हम डालेंगे 1/2 कप सफ़ेद तिल, सेसमे सीड्स, और इसे मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट करेंगे. हमने 5 मिनट तक लो फ्लेम में तिल को फ्राई कर लिया है. गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे. एक विसल हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद खोलेंगे. हमारा ये ड्राई रोस्ट किया हुआ तिल पूरी तरह से ठंडा हो गया है. इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे. मिक्सर जार में डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर. इसे हम एक कोर्स पाउडर में ग्राइंड कर लेंगे, ड्राई ग्राइंड करेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे. हमने ये तिल को कोर्स पाउडर में ग्राइंड कर लिया है. आप इस ड्राई तिल के चटनी या पाउडर को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आप ये सब्जी बनाएं
आप इसे यूज कर सकते हैं। ये ड्राई तिल का चटनी जो है ये राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हमारा ये प्रेशर पैन ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोलेंगे। हमारा ये चौली कुक हो गया है, अब हम इसे एक स्ट्रेनर में डालेंगे। ये बाउल के ऊपर हमने एक स्ट्रेनर रखा है। हमने ये कुक चौली को स्ट्रेनर में डाल के ये पानी अलग कर लिया है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द दाल, 2 लाल मिर्च को हमने टुकड़ों में कट कर लिया है, 2 ड्राई रेड चिलीज, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून का कलर हल्का सा चेंज होते ही हम डालेंगे ये कुक्ड चौली। मिक्स कर देते हैं। इसे हम लो फ्लेम में 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने 2 मिनट तक सब्जी को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। हमने सब्जी को कुक करते वक्त 1/2 टीस्पून नमक डाला था, इसलिए हम इसमें कम नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ये ड्राई तिल का पाउडर या चटनी हम इसमें डालेंगे। इसमें हम 3 टेबलस्पून ये ड्राई तिल का पाउडर डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। इसे हम 2 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गए, हमारा ये सब्जी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। हमारा ये सिंपल साउथ इंडियन स्टाइल चौली की सब्जी तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे बाउल में सर्व कर लेंगे। हमारा ये सिंपल साउथ इंडियन स्टाइल चौली की सब्जी तैयार है। ये रोटी, नान और पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगता है।